हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग लाइफ प्रोसेसेस में प्लांट के न्यूट्रिशन को देख रहे हैं। हम लोगों ने जो जनरल मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का वो पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है, अलग अलग क्या स्टेप्स है लाइट रिएक्शन के, डार्क रिएक्शन में एक्चुअल होता क्या है, क्या साइट है लाइट रिएक्शन का, क्या साइट है डार्क रिएक्शन का, ये सारा चीज क्लियर करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बहुत मतलब थोड़ा समझ नहीं आता है बहुत कोई को, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो एक एक वर्ड को सुनिएगा और हो सके तो साथ में लिखते भी जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस का जनरल इक्वेशन है वो देख लेते हैं क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है, वाटर आता है सॉइल से, सनलाइट प्रेजेंट है एंड इट इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लोरोफिल प्रेजेंट है ग्रीन पिगमेंट लीफ में, ये बना रहा है ग्लूकोज जो कि प्लांट का खाना है, प्लस ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, और पानी रिलीज हो रहा है। ये जनरल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होता है रिड्यूस ग्लूकोज में और इसी को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज में, इसी को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का टूटता है, फोटोलाइसिस होता है वाटर का। फोटोलाइसिस बोलने का मतलब है लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होता है और वो वाटर रिलीज ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ये चीज आज हम लोग देखेंगे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन। सबसे पहले तो देख लो लाइट रिएक्शन का हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन या इसी को हम लोग लाइट डिपेंडेंट फेज या इसी को हम लोग हिल रिएक्शन बोलते हैं। ये सबका मीनिंग है लाइट रिएक्शन। क्या साइट है, कहां पे होता है ये लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में या हम लोग बोल सकते हैं थाइलाकॉइड में होता है। लास्ट वीडियो में मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था। ये जो ग्रैना है ये थाइलाकॉइड है, क्या होता है ना, ये एक जो है ये थाइलाकॉइड है, लेकिन अगर ये बहुत सारा प्रेजेंट है एक के ऊपर एक अरेंज है तो इसी का नाम होता है ग्रैना और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, यही पे होता है लाइट रिएक्शन। अब यहां से आगे हम लोग देखेंगे क्या अलग अलग स्टेप्स है लाइट रिएक्शन का और एक्चुअल में क्या हो रहा है। चलिए देखिए, देखो पहले आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। लाइट रिएक्शन में जनरली एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है आगे बताएंगे, एटीपी और एनएडीपीएच का। और डार्क रिएक्शन में ये जो एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म हुआ इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, बना दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज। ये ओवरव्यू है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का। देखो क्या अलग अलग स्टेप्स है लाइट रिएक्शन का, स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। सबसे पहले होगा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल का एक्टिवेशन होगा। देखो जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर, देखो क्लोरोफिल कहां है, लीफ में प्रेजेंट है। देखो क्लोरोफिल कहां है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट कहां है, लीफ में प्रेजेंट है।
तो लीफ में जैसे ही सनलाइट या हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी पड़ेगा तो जो क्लोरोफिल है वो एक्टिव हो जाएगा और कुछ फोटॉन्स रिलीज करने लगेगा, या हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज करने लगेगा। क्या हो रहा है देखो, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल में, जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर लाइट एनर्जी पड़ा वो निकालने लगा फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स बोल लो या एनर्जी बोल लो। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मान लो हम लोग सुबह में सोए हुए हैं और मम्मी हम लोग को उठाने के लिए आती है, तो हम लोग क्या थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम नींद में नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम नींद में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग नींद में नहीं है। तो ये जैसे ही लीफ के ऊपर लाइट एनर्जी पड़ता है ना, जो क्लोरोफिल है वो एक्टिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज करने लगता है, फोटॉन्स का रिलीज करने लगता है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हुआ ना, अब प्लांट इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी फोटॉन्स रिलीज हो रहा है, इसको स्टोर करेगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ये इसका सेकेंड स्टेप है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये एटीपी क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब हम लोगों के बॉडी में भी जो एनर्जी है ना वो एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो प्लांट क्या करेगा, ये जो क्लोरोफिल एनर्जी का एमिशन किया है, एनर्जी को रिलीज किया है, उसको स्टोर करने लगेगा एटीपी के फॉर्म में। कैसे होता है ये, तो ये होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी। एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो यहां पे दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है, डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट, यहां पे तीन फॉस्फेट है ट्राइफॉस्फेट। जहां पे जितना ज्यादा फॉस्फेट के बीच बॉन्ड होता है वहां पे उतना ज्यादा एनर्जी होता है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग एनर्जी बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी बॉन्ड। मतलब कि एटीपी के पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर्ड टू एडीपी। एडीपी के पास भी एनर्जी है क्योंकि इसके पास भी एक एनर्जी बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा एनर्जी किसके पास है, एटीपी के पास। तो क्लोरोफिल जो फोटॉन्स को रिलीज किया उसको स्टोर हो जाता है एटीपी के फॉर्म में। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो नाम से ही समझ आता है, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि लाइट का यूज करके वाटर का ब्रेकडाउन करना। और जब भी वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो दो चीज वहां से निकलेगा, पहला निकलेगा हाइड्रोजन और दूसरा निकलेगा ऑक्सीजन। कैसे होगा ये देखो, मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, लाइट एनर्जी इस पे आया, यहां पे क्या हो जाएगा, फोर हाइड्रोजन आयंस और चार हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस होगा। इसका जब फर्दर ब्रेकडाउन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा प्लस चार हाइड्रोजन निकलेगा। ये जो ऑक्सीजन निकला ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो बाई प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हुआ, जो कि जिससे कि हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यही ऑक्सीजन से हम लोग सांस ले रहे हैं, जो कि हम लोग को प्लांट के द्वारा मिलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि वहां पे शुद्ध हवा निकले, शुद्ध ऑक्सीजन निकले और हम लोग को फायदा हो। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन चला जाएगा इन्वायरमेंट में, ये ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीजन चला गया इन्वायरमेंट में। अब देखो ये जो हाइड्रोजन बचा है, ये जो हाइड्रोजन आयंस बचा है, ये क्या करेगा, एनएडीपी का रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एनएडीपी में अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो बन जाएगा एनएडीपीएच। देखो यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप है, रिडक्शन ऑफ एनएडीपीएच, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी है ना, ये रिड्यूस होके एनएडीपीएच बन जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, जो एनएडीपी है वहां पे ये वाला हाइड्रोजन आयंस
और यहाँ पे जो कुछ एनर्जी निकला था, ऐसा नहीं है कि सारा एनर्जी का एटीपी बन गया, सारा एनर्जी स्टोर हो गया, अभी भी कुछ एनर्जी बचा हुआ है, वो यहाँ पे आके काम करेगा और ये बन जाएगा NADPH, और ये रिड्यूस फॉर्म में, ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म है। और तुम लोग याद रखना, जो रिड्यूस फॉर्म होता है उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू दिस, एज कंपेयर्ड टू NADP, NADPH है मोर एनर्जी, क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लाइट रिएक्शन में एक तो फॉर्मेशन हुआ एटीपी का और दूसरा फॉर्मेशन हुआ NADPH का। देखो, एटीपी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसी तरह NADPH भी है, इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करके रखता है, दोनों एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। एटीपी भी एनर्जी रिच है, NADPH भी एनर्जी रिच है। तो लाइट रिएक्शन में जो भी एनर्जी बना, अब इसका यूज करके डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बना दिया जाएगा। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे NADP, आप लोग पहली बार सुने होंगे, NADP का फुल फॉर्म होता है NADP निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये NADP का फुल फॉर्म है, ये भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ATP भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। NADPH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, NADPH का फुल फॉर्म हो जाएगा निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। यहां पे क्या हो गया, लाइट रिएक्शन में हम लोगों का ATP और NADPH का फॉर्मेशन हो गया है। इसीलिए ना हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। केमिकल्स क्या है, एटीपी और NADPH। तो यहां पे एग्जाम में आप लोग एक लाइन लास्ट में ऐड कर सकते हैं, नाउ द क्लोरोफिल कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH, और यहां से लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होगा। आप लोग देखे, लाइट रिएक्शन में हम लोग को एटीपी और NADPH मिल गया है। अब इसके बाद डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, देखो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन। थोड़ा हाई लेवल में हम लोग C3 साइकिल भी इसी को बोलते हैं, वो अभी नहीं पढ़ना है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है। ये सारा डार्क रिएक्शन का नाम है। देखो इसका साइट कहाँ है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो हम लोग लास्ट वीडियो में ही देखे थे, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट। देखो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में जैसा ओवरव्यू दिए थे, लाइट में एटीपी और NADPH बन गया है, डार्क रिएक्शन में उसी एटीपी और NADPH का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज। क्या होगा यहां पे, हम लोग देखे ना लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हम लोग को एटीपी और NADPH मिल गया है। देखो यहां पे क्या होगा, डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ही है। देखो डार्क रिएक्शन में मान लो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट को कहां से मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, से उसके सराउंडिंग से, एटमोस्फेयर से मिल रहा है। सपोज दैट 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 18 ATP चाहिए, याद कर लो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग फिक्स करेंगे तो हम लोग को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। ये क्या है, ग्लूकोज, और यही प्लांट का फूड है, खाना बन गया है ना, प्लांट का खाना बन गया। और यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा NADP प्लस, ये 12 NADP प्लस है ना, यहां पे 12 भी होगा, प्लस
18 एडीपी प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो यहां से तुम लोगों को क्या समझना चाहिए, क्या बोले थे कि ये जो 12 NADPH है ये रिड्यूस फॉर्म है। रिड्यूस फॉर्म है मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी, और इसी एनर्जी का यूज करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके इस ग्लूकोज को बनाया गया है। ठीक है, एटीपी का एनर्जी और एनएडीपीएच का एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ये ग्लूकोज बनाया गया है। अब क्या होगा इससे आगे, ये हो गया ऑक्सीडाइज फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म इसलिए बोल रहे क्योंकि यहां से अब हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, यानी कि इससे इसके पास कम एनर्जी है। अब ये जो एनएडीपी प्लस है ना, ये अब चला जाएगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। नेक्स्ट साइकिल के लिए मतलब फिर से वाटर का ब्रेकडाउन होगा। देखो फोटोसिंथेसिस में एक बार तो नहीं ना हो रहा है, एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता जा रहा है, तो ये फिर से वाटर का ब्रेकडाउन होगा, फिर से हाइड्रोजन निकलेगा, फिर इसके साथ हाइड्रोजन एड हो जाएगा, फिर अब नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा। उसी तरह एटीपी जो है, एटीपी ये टूट गया किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आप लोग को बताए थे ना कि जो फॉस्फेट के बीच बॉन्ड होता है इसे एनर्जी बॉन्ड बोलते हैं, और यहां पे एनर्जी है, तो इसीलिए जब हम लोग इसका एनर्जी का यूज करेंगे ना तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो उसी तरह एटीपी से जब एक फॉस्फेट निकला तो बन गया एडीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से बन गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट निकल गया तभी हम लोग ये एनर्जी को यूज कर पाए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यही डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को अगर आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन डार्क रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, इन डार्क रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच इज यूटिलाइज्ड टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। ये होगा डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में हम लोग को ये लिखना है। होप आप लोग को ये चीज समझ आया है, लाइट रिएक्शन में क्या स्टेप्स हो रहा है, डार्क रिएक्शन में क्या स्टेप्स हो रहा है। लाइट रिएक्शन में देख लिए, सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन होगा, सेकेंड स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होगा, थर्ड स्टेप में वाटर का लाइसिस होगा, फोटोलाइसिस होगा, और नेक्स्ट स्टेप में एनएडीपी का रिडक्शन होगा। और डार्क रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके ग्लूकोज बनाया जाएगा। यही है लाइट एंड डार्क रिएक्शन। देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, अगर आप लोग इसको एग्जाम में बना देंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, है ना। देखो लाइट रिएक्शन हुआ, सपोज दैट यहां पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन से हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, लाइट रिएक्शन से हम लोग को मिल रहा है एटीपी और एनएडीपीएच। ये कैसे बना सबको पता है, क्लोरोफिल एक्टिव हुआ सनलाइट से, लाइट एनर्जी पड़ा इस पर, यह एक्टिव हुआ और बहुत सारा फोटोन्स रिलीज करने लगा, और ये फोटोन्स स्टोर हो गया एटीपी के फॉर्म में, हो गया ना। उसी तरह वाटर का फोटोलाइसिस हुआ, वाटर का फोटोलाइसिस होने से एक तो हुआ ऑक्सीजन रिलीज जो चला गया एनवायरमेंट में, इससे कोई मतलब नहीं है, है ना, ये एनवायरमेंट में चला गया, मतलब फोटोसिंथेसिस में इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी इसके बिना तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। और दूसरा चीज यहां से एच प्लस रिलीज हुआ, जिससे कि जो एनएडीपी है ये एच प्लस जाके एनएडीपी से बाइंड कर गया और ये बन गया एनएडीपीएच। अब एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कर किया, यूज हुआ कैल्विन साइकिल में। कहां यूज हुआ, कैल्विन साइकिल, या हम लोग बोलेंगे इसको क्या, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आया एटमोस्फेयर से, एटीपी और एनएडीपीएच बाइंड किया कार्बन डाइऑक्साइड से, और इधर से निकल गया वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। बाकी जो हम लोग को निकला एनएडीपी प्लस और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट,
ये निकल के, ये देखो बन गया ग्लूकोज है ना, C6H12, ये ग्लूकोज बन गया और ये NADP+ और ADP ये चला जाएगा अगले, ADP चला जाएगा अगला जो क्लोरोफिल एनर्जी रिलीज करेगा उसको स्टोर करने में, ATP बनाने में, और NADP+ चला जाएगा फिर से रिड्यूस होने के लिए, है ना। ये अभी ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन छीन गया है, इसका हाइड्रोजन कौन छीना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में वो चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने में ये हाइड्रोजन चला गया। अब ये चला जाएगा वापस, जब फिर से दोबारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, फिर से हाइड्रोजन रिलीज होगा, फिर उसके साथ ये बाइंड करेगा, फिर इसका, तो ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है लाइट एंड डार्क रिएक्शन का। अभी देखिए, होप आप लोगों को ये जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कृपया करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइफ प्रोसेसेस का इजी कॉन्सेप्ट को और इजी तरीके से समझ सके। थैंक्स ऑल।